इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भोले बाबा भी नंदी पर बैठे हैं, सेहरा भी लगा है, जटा मुकुट अही मोर सर्पों का मोर बनाकर गणों ने पहना दिया, पूंछ नीचे है, सिर ऊपर है, तो ये भी ऊपर है। लेकिन देव समाज पहले दिखा तो लोगों ने पूछा, दूल्हा है ये? नहीं नहीं, पीछे। चलिए स्वागत करिए। अब दूल्हा का समाज जब दिखा तो पूछने वाला चैप्टर है समाप्त हो गया। को पूछे शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। बिडर माने तीतिर बितिर, बिडर माने एक दिशा में नहीं, जिसको जिधरे मिला उधरे वो ढुक गया। छोटे बच्चे तो सिर पर पांव रख के मारे भय के थर थर कांपते हुए घरों में गए। माताएं पूछती हैं, लाला बारात कैसी है? लड़का बोले, दरवाजा बंद कर माई। अरे अरे बंद कर। अब बच्चे क्या कहते हैं, बाबा ने क्या सुंदर लिखा, देखिए। कही का कही जाई न बाता, कही का कही जाई न बाता, जम कर धार की लो परियाता, पर बौरा बस असवारा, काल कपाल विभूषण धारा, कपाल विभूषण धारा। लड़का कहते माई, ब्याल साफ पहने, खोपड़ी गले में और पूरे बदन में राख लगाए, ब्याल कपाल विभूषण, हाँ ब्याल कपाल विभूषण, कपाल विभूषण, सांप सिर से पांव तक, कंठ में खोपड़ी, पूरे बदन में राख लगाए हमारे। इतने नहीं, बच्चों ने जो देखा वो कम बताया, आगे बता रहे। तन छार ब्याल कपाल कपाल भूषण नगन, मैं कपड़ो नहीं पहरे, बड़े बड़ी जटाएं हैं उसकी, देखने में लगता, लेकिन बाबा स्वरूप कैसा बाबा का, कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुजगे। ए बाबा का अपना सहज स्वरूप है। ए दानी को शंकर समनाई, अवढर दानी हो राख हमर पानी, अवढर दानी हो राख हमर, किसी की शरण में आप नहीं जा सकते हैं साहब। मनुष्य को पढ़ता है तो भगवान भोलेनाथ, मुनि को पढ़ता है तो भगवान भोलेनाथ, और सबके परमात्मा भगवान को पढ़ता है तो भगवान भोलेनाथ सामान्य है। जिसको कभी कमी पड़ी भोलेनाथ है? करियो यहां लिंग थापना, मोरे मन परम कल्पना, निष्ठा कैसी,
यहाँ मैं स्थापन करूंगा इष्ट देव शिव का, क्यों कोई विघ्न न आवे। बच्चे तो सहज हैं, जो देखे वो बताने लगे, माई दूल्हा बहु रहा है, बैल पर आया है, खोपड़ी पहने सांप लपेटे है। जो दूल्हा और बारात को देखकर जिंदा रहे उसका बड़ा पुण्य है, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ ते कर सही, देखी ही शोभा विवाह घर घर बात असल हरी। माताओं ने संभाला समझाया, बच्चों को लाड़ लड़ाया, गण लोग दूल्हा सरकार भोलेनाथ को लेकर द्वार पर पहुंच गए। सखियां मंगल गान गाती आरती के लिए पधारी, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावैना। सोहबर पानी जनकार सोहबर पानी, परिछन चली हरई हर शानी, परिछन चली हरई हर थाल में आरती सजाकर लेकर चली बाबा की आरती करने। बाबा का विकट वेश देखकर मैना जी घबरा गई, रोने लगी, सोच सोच कर इस बावले के साथ मेरी लाडली रहेगी कैसे। दूसरे मैया को थाल दे दी और कहने लगी, बेटी माँ को गोद में लेकर अंदर जाकर जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर सजाया है, ये बावला भर कहां से लगा। आपको लेकर मैं समुद्र में डुबकी लगा जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी। जीते जी इस बावले से आपका ब्याह कदापि नहीं करूं। बारात द्वार पर आ गई बा, माई रोवे लगली, ब्याह न कर अब। अरे अभी इसके लिए समय है क्या है? इस कथा के सानिध्य में एक बात का हम चिंतन करें, काय का जब जिस कार्य का स्थल हो ना, तभी उस बात की चर्चा करनी चाहिए। हो कुछ रहा है, गांव में कहावत है खुरपा के बियाह में हंसुआ के गीत न गावे के चाहिए। जवन होत बात तो न होवे द बे, मतलब के गांव के फूफा क्या अन्य था। अब बारात आ गई है, बियाह होवे करी, माँ को तप करने पर आशीर्वाद मिला है, सब होगा,
परंतु अन्यथा सुख के अवसर दुख उपस्थित करना ये बुद्धिमानी नहीं। हमारे आप में से भी ऐसा कोई कृपालु हो तो कृपया क्षमा करेंगे, चुप रहो, न कर सको तो चुप रहो, गा सको तो गावो गीत, नहीं तो चुप रहो, क्यों अस्त व्यस्त करना। माई लगी रोवन, रोवत रोवत नारद जी के घर आवे लगली माई, नारद कर मैं का बिगारा है, भवन बसत जिन मोर उजारा, अस उपदेश उमह जिन कीना, भवरे भरहि लाग तब कीना, साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाय। माई लगलीन गरिया वे, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ दिया, बुसा बुसाया घर उजाड़ दिया। नारद जी न कहते तुम्हारी बिटिया ऐसे बावले के लिए तब क्यों करती। हम लोगों की आदत है क्या, अपने जीवन में आई किसी भी समस्या को दूसरे पर थोपने की हमारी प्रवृत्ति बन गई है। अरे हम तो सब ठीक कर लेते, बस इनके कारण गड़बड़ हो गया, नहीं तो हम तो सब ठीक कह लेते। एक उपाय आपको बताऊं, का है, कोई भी बढ़िया काम हो ना, आप लोग जो ऑफिस में काम करते हो उनके लिए कोई बढ़िया काम हो ना, तो अकेले श्रेय मत लिया करिए। ऑफिस के जितने लोग हैं सबको, अरे सब लोगों ने मिल करके किया है, सब लोगों के करने से बढ़िया हो गया है। कारण कि जब अकेले पगड़ी बांधेंगे लाल रंग की और ताकत घूमेंगे, और कहीं कुछ बिगड़ गया तो वह का करिया पगड़ी खुदे बांधे के परी। इसलिए श्री हनुमान जी के जीवन से शिक्षा दर्शन करिए। श्री हनुमान जी जब माँ का अन्वेषण करने जाने लगे, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय, सबको संशय था, इसलिए हनुमान जी ने कहा, तब लग मोहि परिखेहु तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई, कब लग जब लग आमो सी तही देखी, होई काज मोहि हर्ष। हनुमान जी कह देते तो हम लोग चले जा, हम तो उड़ के चले आए। हनुमान जी नहीं कहे, क्यों, श्रेय सबको देने की आदत डाले हम, परिवार संस्था व्यापार ऑर्गेनाइजेशन समिति चलाने का एक मंत्र है, सब करें भाई, सबके करने से हो रहा है, अकेले करने से नहीं हो रहा, सब लोग मिलकर सहभागी हैं तब रचना ऐसी बनी है। ऐसा विश्वास और बोध आत्मबल बनाकर हम रखें तभी आनंद आएगा, सबके करने से हो रहा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।